जी हाँ, स्वागत है आपका। तो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद शामिल हैं, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत दोहा, सोरठा, इसके अलावा बैरवे और इसके अलावा उल्लाला, ये सभी अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और बात किया जाए तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सममात्रिक छंद, और नंबर 2 है अर्ध सममात्रिक छंद, और नंबर 3 है विषम मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर ये बात किया जाए कि छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो छंद के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो यहाँ से छंद से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, छंद के मुख्यतः जो 4 भेद होते हैं, एक है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद, तीसरा है उभय छंद और चौथा है मुक्तक छंद। इस पर विस्तृत अध्ययन किया गया है, वीडियो बनी है, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा बात करते हैं व्यभिचारी को, जिसको संचारी भाव भी कहते हैं, और संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है, 33 है। तो वो कौन कौन से 33 संचारी भाव हैं जो मन में थोड़े समय तक बने रहते हैं, हर्ष है, ग्लानि है, विषाद है, और असूया है, इसके अलावा तीसरा त्रास है, अमर्ष है, भय है, चिंता है, लज्जा है, मोह है, ये सभी व्यभिचारी या संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 11वां गर्व है, और उसके बाद घृति, उत्सुकता, मति, चपलता, विबोध, दीनता, आलस्य, जड़ता, निंदा, आवेग, स्वप्न, निर्वेद, स्मृति, ये सभी आपके व्यभिचारी या संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अवहितता, मति, अपस्मार, वितर्क, मरण, दैन, व्याधि, पीड़ा और उन्माद, ये सभी आपके संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभवों की संख्या कुल कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभवों की कुल संख्या 8 है। वो 8 सात्विक अनुभव कौन कौन से हैं, जो पहला है स्तंभ, स्तंभ के अंतर्गत प्रसन्नता, लज्जा, और दूसरा जो सात्विक अनुभव है वो है कंप, इसके अंतर्गत काम, भय, ये शामिल है, और तीसरा सात्विक अनुभव है स्वेद, इसके अंतर्गत लज्जा और भय शामिल है, जबकि चौथा सात्विक अनुभव है वैवर्ण, इसके अंतर्गत शोक, संज्ञा, और इसके अलावा जो पांचवा है स्वरभंग, इसके अंतर्गत शोक, भय और मद शामिल है, और जो छठवां सात्विक अनुभव है वो है रोमांच, इसके अंतर्गत हर्ष, काम, भय, ये शामिल है, और सातवां जो सात्विक अनुभव है वो है अश्रु, इसके अंतर्गत शोक शामिल है, और आठवां जो है प्रलय, इसके अंतर्गत दुख, भय और शोक शामिल है। तो ये भरत मुनि के अनुसार हो गया जो है 8 सात्विक अनुभव। अब बात कर लेते हैं कि रस के स्थायी भाव की बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम, और दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक, तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, और चौथा है हास रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध, और इसके अलावा अगर हम छठवें पॉइंट की बात करें तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा या घृणा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, आश्चर्य या विस्मय, और शांति रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद या निवृत्ति, और जो 10वां है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, वात्सल्य होगा, और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, अनुराग। यहाँ से प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।